हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज तारीख 22 दिसंबर और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को लेकर है, एसपीआई। ये इंडेक्स किसने जारी किया है? ये प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने ये इंडेक्स को अभी रिलीज किया है। तो अब हमें ये जानना है कि इस इंडेक्स को बनाता कौन है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव ये इस रिपोर्ट को तैयार करती है, इस इंडेक्स को तैयार करती है और फिर इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है वो इसे रिलीज करती है। हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को ये मेजर करती है। इसका पर्पस क्या है इस सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स का? इसका पर्पस इतना है कि कंट्री की सोशल प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उससे हम जीडीपी के जरिए मेजर करते हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम से हम मेजर करते हैं कि कितना एफडीआई आई है उससे हम मेजर करते हैं। बट अगर हमें डेवलपमेंट लाना है रियल सेंस में, एक्चुअल सेंस में, तब हमें सोशल प्रोग्रेस पर ध्यान रखना होगा कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं तो क्या उसका बेनिफिट सोशल इंक्लूजन के लिए हो रहा है, क्या हमारी सोसाइटी भी उसका बेनिफिट ले पा रही है इक्वली। इसीलिए सोशल प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए 12 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। टोटल उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता है उसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स देखी जाती है, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग देखी जाती है और अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। फिर इनके अंदर 4-4 पैरामीटर्स होते हैं, तो टोटल 12 पैरामीटर्स पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बनता है। तो बेसिक ह्यूमन नीड्स में न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर देखा जाता है, एयर वाटर एंड सैनिटेशन की रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उसके बाद शेल्टर देखा जाता है कि आपके पास घर है या नहीं है, उसके बाद पर्सनल सेफ्टी देखी जाती है। वेलबींग में क्या आता है? आपके पास बेसिक नॉलेज कितना है, आपको इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के कितने एक्सेस हैं, हेल्थ और वेलनेस के ऊपर देखा जाता है, इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है, अपॉर्चुनिटी में पर्सनल राइट कितना आपका रिस्पेक्ट किया जाता है, हायर एजुकेशन का कितना एक्सेस है आपके पास में, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, तो इसमें ये देखा जाता है कितना आप अपनी जो पर्सनल फ्रीडम उसको कितना एक्सरसाइज कर सकते हो बिना रिस्ट्रेंट के। इक्विटी एंड इंक्लूजन देखा जाता है कि क्या जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसमें इक्विटी है, सारे जितने भी हमारी कम्युनिटी हमारी सोसाइटी क्या सबको उस डेवलपमेंट का बेनिफिट मिल पा रहा है, तो ये इंक्लूजन देखा जाता है। और जो ग्लोबल लेवल पे जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स निकलता है वो कब से निकाला जा रहा है? वो 2013 से निकाला जा रहा है। और जो 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया को 110वां स्थान मिला है। टॉप पे कौन है? नॉर्वे। तो इंडिया सोशल प्रोग्रेस में बहुत पिछड़ा हुआ है अगर हम ग्लोबल इंडिया के रैंक देखें तो। पर अगर हम नेशनल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को देखें तो इसकी फाइंडिंग्स क्या है? स्टेट वाइज पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा ये 3 सबसे बेस्ट स्टेट निकल के आए हैं जिन्होंने सोशल प्रोग्रेस में अच्छा खासा अचीवमेंट हासिल किया है। बट जो सबसे लो परफॉर्मेंस स्टेट रहे हैं वो थे झारखंड और बिहार। ये जो पॉइंट है या तो यूपीएससी एज ए पैक आपसे पूछ सकती है प्रीलिम्स में, या फिर मेंस में आप अपना आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे में ये इंक्लूड हो सकता है, एथिक्स में भी इंक्लूड हो सकता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कितनी नॉन इंक्लूसिव है। कुछ स्टेट आगे बढ़ रहे हैं पर कुछ स्टेट सोशल प्रोग्रेस में अभी भी ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे, यही वजह है कि इन स्टेट में ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐजवाल मिजोरम का, सोलन हिमाचल प्रदेश का, शिमला हिमाचल प्रदेश का, इन डिस्ट्रिक्ट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो केंद्र सरकार चला रही है 2015 से, उसके 112 में से 27 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज जो नेशनल लेवल का एवरेज है एसपीआई का उससे अच्छा परफॉर्म किया है। तो मतलब है कहीं ना कहीं स्कीम भी वर्क कर रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हमारी स्कीम है केंद्र सरकार की। अब इस सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये ऐसी रिपोर्ट है जो हमारे देश के सोशल प्रोग्रेस को मेजर करती है। तो इससे हमें जानने में आसानी होती है कि कौन से जो हमारे क्षेत्र है वो पिछड़ रहे हैं या फिर उनमें किस प्रकार की बैकवर्डनेस देखी जा रही है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अदरवाइज हम सिर्फ जीडीपी को मेजर करते रहेंगे तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो बेनिफिट है वो तो उसमें काफी इनइक्वलिटी देखी जाती है कि मतलब जो टॉप 1% के जो लोग होते हैं वही 73% जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसका जो बेनिफिट है वो अपने पास कॉर्नर करके रखते हैं। मतलब अभी भी इस देश की जो इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट देखा है वो कई सारी कम्युनिटी उस डेवलपमेंट को एक्सेस नहीं कर पा रही है या फिर उससे फायदा नहीं ले पा रही है। तो इसीलिए देश का सोशल प्रोग्रेस देखना बहुत जरूरी है। और ये जो डाटा होता है ये पॉलिसी मेकर्स को काफी हेल्प करता है कि आपको इजी पड़ता है कि हाँ इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए इसी स्कीम लाना जरूरी है, या फिर ये पर्टिकुलर सेक्टर यहाँ पर आपको हेल्थ की फैसिलिटीज कम दिख रही है, या फिर ये जो क्षेत्र दिख रहा है या फिर ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एजुकेशन की कमी है, तो इससे आप एक टारगेटेड स्कीम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के क्वेश्चन के आने की संभावना हमेशा रहेगी। अब चलते हैं आगे, हमारे अगले अरनाला शिप को लेकर है। तो ये आखिर ये अरनाला है क्या? देखिए अरनाला एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है। मतलब कई देशों के पास सबमरीन होती है जो पानी के अंदर रहती है और वक्त पड़ने पर बाहर आकर वो अटैक करती है। सपोज करो पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया, हमारे सारे जितने भी डिफेंस
इक्विपमेंट थे, डिफेंस के जो भी सेटअप थे वो सब नष्ट हो गए हैं। पर सबमरीन ऐसी चीज है जो पानी के अंदर है, अभी तक उस पर अटैक नहीं हुआ है। तो बाकी कंट्री को डर लगता है कि ठीक है हमने हमारे एयरफोर्स से कैसे भी करके अटैक कर दिया, पर भारत के पास सबमरीन है जो कभी भी बाहर आएंगे और हम पर अटैक कर देंगे। तो सबमरीन किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अधिकतर भारत के केस में क्या है ना कि चाइना की सबमरीन काफी इंडिया के पास में देखी गई है, तो उससे खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए एक एंटी सबमरीन वारफेयर का हमला बहुत जरूरी है भारत के पास में। तो टोटल 8 इंडिजिनस जो एंटी सबमरीन वारफेयर मिलनी थी हमें, तो INS अरनाला उसमें से फर्स्ट है जो कि लॉन्च हो गई है। तो इसका काम क्या है, एक तो एंटी सबमरीन ऑपरेशन में इसका काम आएगा और जितने भी लिटोरल वाटर्स हैं वहां पर ये सर्विलेंस के भी काम आएगा। ये अब इसे बनाया किसने है, इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया, GRIC ने बनाया है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसे 90% इसका जो कंटेंट है, जो कंपोनेंट है, वो इंडिजिनियस है। तो ये हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसकी शक्ति को दिखाता है ये। अब इसका नाम अरनाला क्यों रखा गया, तो जो महाराष्ट्र का जो वसई है उसके 13 किलोमीटर दूर एक आईलैंड है जिसका नाम अरनाला है। यहीं पे हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका वो गढ़ हुआ करता था। तो ये जो अरनाला नाम है उन्हीं को सम्मान देते हुए हमारे इस शिप का नाम अरनाला रखा गया है। अभी जो अरनाला क्लास है ये किसको रिप्लेस करेगा, ये नेवी के अभय क्लास को ये रिप्लेस करेगा। हालांकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास में कोमोर्टा भी है बट वो लास्ट शिप है। ये स्मॉल शेलो वाटर क्राफ्ट है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेबिलिटी कितनी है 900 टर्न्स और ये 25 नॉट्स की स्पीड तक चल सकता है और ये 1800 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है और ये डीजल इंजन पे चलता है। तो ये इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है INS अरनाला की जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, हमारे INS अर्बन 20 U20 इनिशिएटिव को लेकर है। अभी अर्बन 20 है क्या, ये एक सिटी डिप्लोमेसी टाइप की इनिशिएटिव है, मतलब ये G20 का एक एंगेजमेंट ग्रुप है। तो वहां पर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिटीज का क्या योगदान रहेगा, सिटीज को कैसे मैनेज करना है, सिटी में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, सोशल इंक्लूजन लाना है, सस्टेनेबल मोबिलिटी लाना है, अफोर्डेबल हाउसिंग लाना है, प्रॉपर कलेक्टिव सॉल्यूशन लाना है, तो इन सब पे चर्चा की जाती है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर 1 से भारत ने G20 की अध्यक्षता ले ली है, तो नेक्स्ट ईयर का G20 होगा वो इंडिया में होगा, ठीक है। तो इस साल जो दिसंबर 1 से इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी हासिल कर ली है। तो इसी के साथ साथ अर्बन 20 की भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। अब इसमें जो प्रेसिडेंसी होती है वो पर्टिकुलर सिटी के पास में होती है। तो इस साल अर्बन 20 का जो 2023 का जो एडिशन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सिटी ऑफ अहमदाबाद। और इसका मोटो रखा गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। और अर्बन 20 के जो इवेंट्स है वो कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जैसे जैसे G20 की अध्यक्षता चेंज होती है वैसे वैसे अर्बन 20 की भी अध्यक्षता चेंज होती जाती है। जैसे इंडोनेशिया से हमको मिली थी अध्यक्षता G20 की, तो इस साल का जो अर्बन 20 का उसकी अध्यक्षता किसके पास थी, उसके इंडोनेशिया के पास थी, वैसे इस साल इंडिया के पास में। तो अर्बन 20 के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अब चलते हैं आगे, हमारी INS यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर। दरअसल एक टेंटेटिव लिस्ट होती है यूनेस्को की, उसमें उन प्लेसेस को रखा जाता है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको दिया जाना है। तो अभी टोटल टेंटेटिव लिस्ट में 52 प्लेसेस हैं जिसमें से 3 इंडिया के हैं। कौन कौन से, गुजरात का वडनगर टाउन, मोढेरा का सन टेम्पल और रॉक कट स्कल्पचर जो कि त्रिपुरा में उनाकोटी। इन 3 प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है, मतलब इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल सकता है। तो इस पर UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकती है। पहले हम देख लेते हैं सन टेम्पल ऑफ मोढेरा को, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ये एक हिंदू टेम्पल है जो हमारे सूर्य देवता के सम्मान में बनाया गया है। ये जो पुष्पावती रिवर है उसके किनारे बना हुआ है ये। इसे किसने बनवाया था, इसे सोलंकी डायनेस्टी के भीमा वन ने बनाया था जो कि चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। इसे बनाया कब था, इसे 10th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। फीचर्स क्या क्या है, ये जो मंदिर है ये मारू गुर्जर स्टाइल में बेस्ड है, मतलब सोलंकी स्टाइल में बेस्ड है। इसमें जो मेन टेम्पल साइन है उसे गर्भगृह है, उसके अलावा एक हॉल है जिसे गद मंडप बोला जाता है और एक असेंबली हॉल है जिसे रंग मंडप बोला जाता है। इसके पास एक पुल भी है जिसे कुंड कहा जाता है या फिर राम कुंड भी कहा जाता है। तो ये आप इमेज में देख पा रहे हो, ये है सन टेम्पल मोढेरा का। फिलहाल इसको मेंटेन कोर करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के रूप में इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। अब वडनगर दूसरी साइड, तो ये मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है वडनगर। चूंकि इस वडनगर टाउन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लगभग 8th सेंचुरी की बिल्डिंग भी आपको वहां पे मिल जाएगी, तो इसलिए इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो वडनगर में आपको एक हिस्टोरिकल फोर्टिफाइड सेटलमेंट देखने को मिलेगा, हिंटरलैंड पोर्ट देखने को मिलेगा, आपको इंडस्ट्रीज ऑफ सेल्स एंड बीड्स देखने को मिलेगी, हिस्टोरिकल रिलीजियस सेंटर आपको देखने को मिलेंगे,
और यह एक इम्पोर्टेंट प्लेस है ट्रेड रूट का। और वडनगर का एक और फैक्ट यह भी है कि यहाँ पर जो हॉन सांग है चाइनीज ट्रेवलर, उन्होंने विजिट किया था। तो ये दो तीन फैक्ट हैं जो यूपीएससी इस वडनगर टाउन के ऊपर पूछ सकती है। उसके अलावा ऊनाकोटे को हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये त्रिपुरा में है। ऊनाकोटे का मतलब होता है 99,99,999। तो ये एक स्कल्पचर है जो कि हमारे जो भगवान शिव है उनके ऊपर डेडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको रॉक कट स्कल्पचर मिलेंगे। तो इन तीनों प्लेस के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश, फर्स्ट है, द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है, सही गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है, जो टेरिटोरियल सी होता है वो हमेशा उसके लिमिट 12 नॉटिकल माइल्स रखी जाती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। तो यहाँ पे आपको इनोसेंट पैसेज का मतलब पता होना चाहिए। इंडिया के पास तो चलो सी का एक्सेस है, मान लो कोई लैंडलॉक कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान, उसके बाद में कोई सी का एक्सेस है नहीं, तो एक इनोसेंट पैसेज का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें जो आसपास जो भी उनकी कंट्री है, पड़ोसी कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है, ईरान है, तो उन्हें इस कंट्री को, अफगानिस्तान को, इनोसेंट पैसेज देना होगा। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, बट इनोसेंट पैसेज का उनका हक है ताकि उनको भी सी लेन का एक्सेस मिल पाए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, फिशिंग कर सकते हो आप, कुछ मिनरल्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो उसकी जो लिमिट है वो 200 नॉटिकल माइल्स होती है जो कि टेरिटोरियल सी के ब्रेथ से मेजर की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी 1, 2 और 3। इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।